अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शहबाज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको वायर गेज मिक्सिंग फार्मूला बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए दोस्तों आप तार को सिंगल से डबल या फिर डबल से सिंगल कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए दो तरीके आते हैं। पहला आता है जो हमारा रेडीमेड चार्ट आता है गेज कॉम्बिनेशन का। दूसरा दोस्तों हम समझेंगे इस चार्ट के ज़रिए कि हम किस तरह से इस चार्ट के ज़रिए वायर गेज मिक्सिंग कर सकते हैं। दोस्तों हम कभी भी किसी भी मोटर को वाइंडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी दफ़े ज़रूरत होती है कि हम उसमें सिंगल वायर की जगह डबल वायर डाल सकें, फिर डबल की जगह हम उसमें सिंगल डाल सकें, या फिर हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े कि हम उसमें डबल की जगह ट्रिपल डालें या फिर ट्रिपल की जगह सिंगल वायर डालें। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में आता है ऑलरेडी मेक कॉम्बिनेशन गेजेस चार्ट, जिसके अंदर दोस्तों प्रत्येक गेज को डाला गया है और उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि दोस्तों इस चार्ट के ज़रिए हमारे पास अगर 16 नंबर सिंगल वायर है, ये अगर हमें इसे डबल करके डालना है तो हम 18 और 19 नंबर वायर को डबल करके 16 नंबर की जगह डाल सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों अगर हमें इसे ट्रिपल वायर में डालना हो तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 19.5+20+20 नंबर वायर को हम डाल सकते हैं, वो दोस्तों 16 नंबर वायर के बराबर होगी। और हमें दोस्तों यहीं पर अगर 4 वायर को डालना है, यानी कि 4 वायर डालनी है, तो हम 4 बार 21 नंबर वायर की लेयर डाल सकते हैं, तो वो भी दोस्तों हमारी 16 नंबर के बराबर होगी। अगर दोस्तों वहीं पर हमारे पास किसी मोटर के अंदर डबल वायर निकलते हैं, जैसे कि एक 22 है और दूसरा भी 22 है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो डबल 22 का हमारा बनता है 19 नंबर वायर। तो इस तरह से आप इस चार्ट के ज़रिए ये गेजेस समझ सकते हो। बाकी दोस्तों इसके जो इमेजेस हैं आप मुझे मेल कीजिएगा, मैं रिप्लाई में इनके इमेजेस आपको सेंड कर दूंगा। बाकी आप हमें FB पेज पर फॉलो करें, वहां पर भी इनके फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों हमारा दूसरा तरीका है जो कि फॉर्मूला है, जिसके ज़रिए हम वायर को बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन वायर बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इसे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसे बनाने के लिए हम वायर गेज कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमें इस टेबल का यूज़ करना पड़ेगा। इस टेबल के अंदर दोस्तों प्रत्येक वायर का एक फिक्स वैल्यू दिया गया है। जैसे कि दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप ऊपर में ब्लैक कलर में देख पा रहे हो, ये हमारे SWG हैं, यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। और यहाँ पर दोस्तों जो आप रेड कलर में देख पा रहे हो, ये प्रत्येक वायर की एक वैल्यू फिक्स की गई है। दोस्तों इस फॉर्मूला को हम जब भी अप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों उस वायर की वैल्यू रखनी होगी। जैसे कि यहाँ पर 17.5 नंबर की वैल्यू है, वो है 24.93 इस तरह से। अब दोस्तों इसके ज़रिए हम वायर गेज कॉम्बिनेशन किस तरह से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे वायर को सिंगल से डबल करना और सिंगल से ट्रिपल करना। जैसा कि दोस्तों हमारे पास एक हमारी वायर है जो कि 15.5 नंबर की है, यहाँ पर हमने लिख दिया ये 15.5 नंबर की हमारी वायर है। अब इस वायर को हमें डबल बनाना है, तो डबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 15.5 नंबर वायर की जो वैल्यू है उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको डबल करना है तो उसे 2 से डिवाइड कीजिए और ट्रिपल करना है तो उसे 3 से डिवाइड कीजिए। तो जैसे कि 15.5 नंबर की वायर की जो वैल्यू है वो है हमारी 42.50, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं 42.50। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 21.25, यानी कि 21.25। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल कर आती है। अब हम यहाँ पर दोस्तों हमारे चार्ट में देखेंगे कि ये वैल्यू हमारे किस वायर गेज की है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो 18 नंबर वायर है उसकी वैल्यू से ये वैल्यू मैच करती है। यानी कि अगर हमें 15.5 नंबर वायर की जगह हमें डबल वायर डालनी है तो हम 18 नंबर वायर को डबल करके डाल सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों अगर आपको वायर को सिंगल से डबल बनाना हो तो। अगर दोस्तों आपको वायर को सिंगल से ट्रिपल बनाना हो तो, अगर आप चाहें कि हम ये सिंगल वायर है हम इसकी जगह 3 वायर डालें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास 17 नंबर की एक वायर है, इसे हम ट्रिपल करके डालना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम 17 नंबर वायर की वैल्यू। तो हमारी 17 नंबर वायर की वैल्यू है 28.88, यानी कि 28.88, और इसे दोस्तों हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हमें इसकी ट्रिपल लेयर वायर बनानी है। अगर आपको 4 लेयर वायर बनानी है तो आप 4 से डिवाइड कीजिए, अगर 2 की बनानी है तो 2 से डिवाइड कीजिए। तो हम दोस्तों इसे 28.88 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 9.6। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 9.6 जो हमारी वैल्यू है
वो मैच करती है नंबर वायर से, क्योंकि जो दोस्तों जो 21 नंबर वायर की जो वैल्यू है वो है 9.4। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 21 नंबर वायर की यहाँ पर हम जो हमारा 21 नंबर वायर है इसकी हम तीन वायरें डालेंगे, जो कि दोस्तों हमारे 17 नंबर वायर की बराबरी होगी। अब वहीं पर अगर मान लीजिए हमें चार लेयर डालनी है, तो हम जैसा कि हमारे पास एक 15 नंबर की वायर है, हम चाहते हैं कि हम इसमें चार लेयर वायर डालें, तो हम क्या करेंगे जो 15 नंबर वायर की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 15 नंबर वायर की वैल्यू है 47.66 यानी कि 47.66, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो होगा 11.9। तो यहाँ पर दोस्तों जो 11.9 जो उसकी वैल्यू है, ये अब मान सकते हो आप 11.9 यानी कि ऑलमोस्ट 12, तो दोस्तों ये 20 से मैच करती है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये 11.9 यानी कि एक ही पॉइंट कम, और यहाँ पर दोस्तों जो 20 है उसकी फिक्स वैल्यू है 12। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 20 नंबर वायर की, 20 स्टैंडर्ड वायर गेज की चार वायरें हम इसके अंदर डालेंगे, जो कि दोस्तों 15 नंबर वायर हमारा बनेगा। अब दोस्तों ये तो हमारा ये तरीका है जिससे हम वायर को सिंगल से डबल और सिंगल से ट्रिपल और सिंगल से फोर कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम जानेंगे अगर वायर को हमें दोस्तों डबल से सिंगल करना पड़ा या फिर ट्रिपल से सिंगल करना पड़ा, तो वो हम किस तरह से करेंगे। अभी दोस्तों हम जानेंगे वायर को डबल से सिंगल किस तरह से करते हैं। दोस्तों इसके लिए जस्ट अपोजिट वे होता है, जिस तरह से हम वायर को सिंगल से डबल करते हैं ना, उसके जस्ट अपोजिट वे होता है कि हम वायर को डबल से सिंगल किस तरह से करें। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जानना है कि हमारे पास दो वायरें कौन सी हैं। सबसे पहले हम डबल वायर को सिंगल बनाकर देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक 20 नंबर की वायर है और एक हमारे पास में 21 नंबर वायर है। हमारी मोटर से दो वायरें निकली, एक 20 नंबर है और 21 नंबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों वायर्स की वैल्यू को जोड़ देंगे। जैसे 20 नंबर वायर की वैल्यू है वो है हमारी 12, ठीक है 12, इसको हम प्लस कर देंगे 21 नंबर वायर की वैल्यू के साथ में, 9.4 है 9.4। अब दोस्तों यहाँ पर जो इस वैल्यू को हम अगर जो प्लस करते हैं तो हमारी टोटल वैल्यू होती है 21.4 यानी कि 21.4। अब दोस्तों 21.4 हमारी वैल्यू है वो दोस्तों मैच करती है 18 नंबर वायर से। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 20 और 21 की जगह हम एक ही वायर डाल देंगे, वो होगी वायर हमारी 18 नंबर। अब उसी तरह से दोस्तों मान लीजिए हमारे पास तीन वायर हैं और तीनों वायर हमारी दोस्तों 24 नंबर की हैं, 24 प्लस 24 प्लस 24। अब दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि आपकी इन वायर में थोड़ा डिफरेंस हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, तीनों वायर्स की जो वैल्यू है, जहाँ पर वैल्यू दी गई है प्रत्येक एक वायर गेज की, वो वैल्यू आपको इसके अपोजिट में लिखकर उसे प्लस कर देना है। तो हमारी 24 की वैल्यू कितनी है, SWC24 की जो वैल्यू है वो है 4.5। तो हम यहाँ पर 4.5 लिख देते हैं, प्लस इसे तीन बारी प्लस कर देते हैं। अब आपका वायर अगर यहाँ पर 22 है ना, तो आप 22 की वैल्यू रखिए जो भी आता है, ठीक है। अब जो हम इसको ट्रिपल टाइम अगर प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर आता है वो आता है 13.5 यानी कि 13.5। अब जो 13.5 जो वैल्यू है हमारी वो मैच करती है 19 नंबर वायर से, सॉरी 13.5 है वो वैल्यू हमारी मैच करेगी 19.5 नंबर वायर से। तो हमारा जो इन तीनों वायर्स को मिलाने पर जो गेज बनेगा वो होगा 19.5 नंबर। उसी तरह से दोस्तों हम मान लेते हैं कि हमारे पास में चार वायर हैं। अब हम चारों वायर्स को सिंगल बनाना सीखेंगे। अब हम सिंगल किस तरह से बनाएंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास दो वायर हैं 16.5 नंबर प्लस 16.5 नंबर, और उसी के साथ में दोस्तों हमारे पास दो वायरें हैं 17 नंबर की। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल चार वायर होगी, इन चारों को हमें दोस्तों सिंगल बनाना है। हम चारों वायर्स को सिंगल बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 16.5 नंबर है उसकी वैल्यू है 33.13 प्लस 17 नंबर वायर की वैल्यू है 28.88 प्लस 28.88। अब दोस्तों जो हमारा टोटल आता है वो आता है 124। अब दोस्तों जो 124 है वो दोस्तों जो वैल्यू है वो है हमारी 11 नंबर वायर की। तो दोस्तों ये होगा हमारा 11 नंबर वायर, SWG 11। उसी की तरह अगर दोस्तों इन चार वायर्स को आपको दो वायर बनाना था, तो आपको करना क्या था दोस्तों,
33 और 33 इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए और दोस्तों इन दोनों को एक जगह प्लस कर दीजिए। अब दोस्तों हम 33 और 33 को प्लस करते हैं तो ये होगा हमारा 66.26। ठीक है, अब ये दोनों का ये जोड़ हो गया और इन दोनों का 28.88 और 28.88 तो ये हो जाएगा हमारा 57.76। अब दोस्तों जो 66.26 है ये दोस्तों जो हमारी वैल्यू है वो दोस्तों हमारी क्या है कि 13 नंबर से तो कम है और 14 नंबर से ज़्यादा है, तो दोस्तों ये होगी हमारी 13.5 नंबर। तो दोस्तों इसके जगह हम यूज़ करेंगे 13.5 नंबर वायर। और दोस्तों जो 57 है, जो हमारी 57 है वो ऑलमोस्ट 14 नंबर है, तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इन चारों की जगह हमें डबल वायर डालना पड़े तो हम 13.5+14 नंबर वायर डालेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका, चार वायरों में से अगर आपको दो वायरें बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हो। अब दोस्तों देखो सेम यही कंडीशन होती है और ये फॉर्मूला परफेक्ट वर्क करता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो 66.26 तो हमारा क्या था कि 16.5 नंबर की दो वायरों को मिलाकर हमारा 13.5 नंबर वायर बना था। तो आप देख सकते हो 13.5 नंबर वायर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप 16.5 नंबर की दो वायरों को मिलाकर 13.5 नंबर वायर बना सकते हो। उसी तरह से 14 नंबर वायर पर हमने यहाँ पर 17+17 किया था और ये 17+17 का 14 नंबर वायर बना। तो दोस्तों ये दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, साथ में दोस्तों हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना।